फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको पीली सरसों के बारे में बताती हूँ। पीली सरसों ये बहुत ही चमत्कारी मसाले में है, राइट? एक बार की बात बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हो, राइट, अभी फिलहाल हाल ही में मैंने एक नया ब्रांच खोला पुणे में, मेरे स्कूल का, मदर इंडिया मिशन इंग्लिश स्कूल का, पुणे में। एक कोपरखाना नई बंबई में है, राइट। फिर इतनी कम उम्र में वन लेडी शो, वन लेडी आर्मी, दो बिल्डिंग भी बांधी, राइट। तो बहुत सारा दान करती हूँ, बहुत सारा कष्ट करती हूँ, कमाती हूँ, राइट, और लोगों में बांटती भी हूँ। पढ़ाना ये मेरा नशा है, पैशन है, पागलपन है। स्कूल चलाना ये मेरा नशा है। मेरा खुद का जूनियर कॉलेज है और स्कूल है। और स्पिरिचुअल जर्नी से चलती हूँ, जप तप हवन भजन कीर्तन, राइट, मंत्र मैजिक। बचपन से हवन और मंत्र करते आई हूँ। अभी फिलहाल टैरो रीडिंग और रेकी, एंजल थेरेपी सब किया है। तो जलने वाले लोग बहुत पुराना है ये खेल, जलते रहते हैं, गिराते रहते हैं। तो जब कभी भी मुझे कोई परेशानी आती है सेहत को लेकर या आर्थिक दृष्टि को लेकर या सिचुएशन को लेकर, तो सबसे पहले जो मैं करती हूँ, राइट, आध्यात्मिक रास्ते से चलती हूँ और ईश्वर से बात करती हूँ और ईश्वर को सबसे पहले बोलती हूँ अपनी दुख दुविधा के बारे में। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे हार्ट में बहुत पेन हुआ और मैं दौड़ी दौड़ी डॉक्टर के पास गई और मेरी सारी चेकअप किया। वो लोग ने सारा चेकिंग किया और कहा कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर ने मुझे कहा दो दिन बाद में, आप बाहर का ही कुछ देख लो अभी। आई वॉज वेरी सरप्राइज। मैंने मेरे मम्मी से बात किया तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग एक रेमेडी करते हैं। क्या होता था, जब रात होती थी, रात के 11 बजते थे, तो अचानक मुझे एक झटका लगता था और ऐसे लगता था कि कोई तो आया, तो मैं घबरा जाती थी और फिर मेरा हाथ पाँव, हार्ट, हेड सब पेन होता था। पता नहीं ये क्या था, राइट, भास था भानुमती का। तो मम्मी ने एक रेमेडी की जो मैं आपको बताती हूँ। मम्मी ने ये पी लो सरसों, पीली सरसों। जब मैं मेरा बिस्तर सोने का डालती थी तो मम्मी ये पी लो सरसों है ना, पूरे मेरे आसपास में डाल देती थी। मैं बीच में सोती थी और पूरे आसपास में पी लो सरसों, मेरे बेड पे इधर उधर पी लो सरसों डाल देती थी। ऐसा क्रम हमने बहुत दिनों तक किया और एक दिन अचानक मुझे ऐसे लगा कि कुछ भी नहीं है, सब खत्म, पड़नचू। इतनी मैजिकल है ये पीली सरसों, भूत प्रेत बाधा वास्तु दोष नाश करती है, ब्लैक मैजिक, दृष्टि करनी पत्तीशी सब उड़नचू करती है। आप पीली सरसों इस तरह से कटोरी में भरकर आपके किचन में रखिए, हॉल रूम में रखिए, पीले कपड़े में बांधकर मेन डोर पे बांधिए, राइट। करनी तोटका पोटका जो भी है, नेगेटिविटी सब उड़नचू। आप पीली सरसों हो हर अमावस्या पूर्णिमा पे आपके द्वार के बाहर भी उछल सकते हैं, डाल सकते हैं। दारिद्र नाश करता है, पैसे की वर्षा करता है, राइट। मैंने तो ये भी प्रयोग किया है कि जब बिजनेस थोड़ा कम चलता है
तो रोज रात को शाम को 7 बजे पीली सरसों पूरे अपने बिजनेस की जगह पे डाल दो और दूसरे दिन सुबह झाड़ू से बाहर दरवाजे में फिकवा दीजिए। और सुबह आप है ना बाहर आपके दरवाजे के बाहर पीली सरसों फिकवा दीजिए, अपने आप बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, किया कराने वाले थक जाएंगे, राइट। आप पीली सरसों भी बाहर दरवाजे पे डाल सकते हैं, लौंग गोमती चक्र लौंग और काला मिरी को भी पीस के आप अपने दरवाजे के सामने डाल सकते हैं, अपने आप आपकी दुकान आपका बिजनेस पावरफुली चलेगा। मुझे अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो गई तो मैं डॉक्टर के पास वकील के पास इसके उसके पास बाद में जाती हूँ, पहला स्पिरिचुअल जर्नी से अपना इलाज खुद ब खुद कर लेती हूँ, राइट। दुश्मन नाश के लिए भी ये बहुत अच्छी कारगर चीज है। बगलामुखी इसे हाथ में लीजिए और बगलामुखी मंत्र बोलिए रोज, और शिवलिंग पे ये अभिमंत्रित पीली सरसों शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, दुश्मन के छुट गई सब। कोर्ट कचहरी का मैटर हो सरकारी मैटर हो बगलामुखी मंत्र बोलिए और रोज शिवलिंग के ऊपर ये सरसों चढ़ा दीजिए, सब अपने अपने रास्ते लग जाएंगे, अपना रास्ता कोई भी नहीं काटेगा। पैसे की वर्षा करती है, अगर आप पीली सरसों को कपूर के साथ जलाओ तो, राइट। पीली सरसों अगर आपके वास्तु दोष है आपके घर में तो गोबर के ऊपर पीली सरसों जलाइए और वो धुआं पूरे घर में कीजिए। पीली सरसों को कोने कोने में डालिए आपके घर के, राइट। तो जो नेगेटिविटी है वो पूरी खत्म हो जाती है। और लक्ष्मी वर्धक भी है, आप कटोरी में भर के रखिए या शीशी में भर के रखिए, जार में बरनी में आपके किचन में, और पीले कपड़े में बांध कर आप दरवाजे में लगा सकते हैं मेन डोर के, जिसके नीचे से जो भी आएगा जाएगा, कुछ अला बला शाला लेकर आया है तो वो सब बाहर के बाहर खड़ी रहेगी, अंदर नहीं आएगी। आप सबके लिए ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थनाएं हैं, आप अपना ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। हाय, आपके घर में धन वर्षा के लिए, राइट। आपको बहुत सारा धन चाहिए है, अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए है, तो किसी भी गुरुवार को पीली सरसों खरीद कर लेकर आइए और रविवार को इसे पीले कपड़े में बांध के अपने मेन डोर्स के ऊपर बांध दीजिए, ऐसे कटोरी में आप अपने रसोई में रखिए, राइट। और इसके सामने आप लक्ष्मी जी का मंत्र बोल सकते हैं, ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलाली ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध, श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, या श्रीम श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। जब आपके घर में ये सरसों कलर बदल दे तो इसे ठंडा कर दीजिए, पानी में छोड़ दीजिएगा और नया सरसों ले लीजिएगा, राइट। आप अमोषा पूर्णिमा पर इसे बदल दिया कीजिए, देखिए कैसे पैसे आते हैं, दुश्मनों का नाश होता है, बुरी नजर का नाश होता है। आप सबका ध्यान रखिएगा, आप सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। पीली सरसों को आप तवे पे भी जला सकते हैं, राइट। और ग्रह दोष या फिर वास्तु दोष का नाश कर सकते हैं। कोर्ट केस के लिए भी पीली सरसों बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी रेमेडी है कोर्ट केस में जीतने के लिए। आप देखिए कोर्ट केस का जो कोर्ट रूम का जो इष्ट देव होते हैं, राइट, जो पंचायत होती है स्पिरिचुअल जर्नी में, पंचायत में 5 लोग है, राइट, इनको आप प्रसन्न कर लीजिए, आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। शिव जी, दुर्गा माता, विष्णु देवता, सूर्य देवता और गणपति बप्पा। शिव जी, दुर्गा माता, विष्णु देवता, सूर्य देवता और गणपति बप्पा। आप ये पंचायत है, इनको प्रसन्न कर लीजिए, आप अपने आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आप
बेलपत्रा, बेलपत्र और थोड़े से जल में दूध डाल के शिवलिंग पर चढ़ाते जाइए, ओम नमः शिवाय बीज मंत्र कीजिए, दुर्गा माता को कुंकू अर्पण कीजिए, हल्दी कुंकू अर्पण कीजिए और ओम एम ब्रेम क्लेम चामुंडा विचे नमः इसका मंत्र कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, या बगलामुखी का मंत्र सिद्ध कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में विष्णु जी को विष्णु देवता को मक्खन और मिश्री का भोग दे सकते हैं, सूर्य देवता को सरसों अर्पण कर सकते हैं या सूर्यमुखी फूल अर्पण कर सकते हैं, गणपति जी को जासवंदी का फूल अर्पण कर सकते हैं, राइट, गुड़ अर्पण कर सकते हैं। ऐसे ये पांच देवता हैं, इनके मन प्रिय पांच फूल आप इन्हें अर्पण कीजिए, राइट। पांच डायरेक्शन, ये पीली सरसों लीजिए हाथ में और आठ डायरेक्शन में इनका, इन पांचों देवताओं के बीज मंत्र बोलिए, राइट। जैसे शिव जी है, शिव जी का बीज मंत्र ओम नमः शिवाय है, राइट। माता जी का ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे है। उसी तरह से विष्णु देवता का ओम नारायण नमः कर सकते हैं, सूर्य का ओम ग्रीणी सूर्यादित्याय श्रीम स्वाहा कर सकते हैं, गणपति का ओम एक दंताय विद्महे वक्र तुंडाय धीमहि तन्नो विघ्न प्रचोदयात ये मंत्र कर सकते हैं। मंत्र मैजिक, मंत्र सीख लीजिए, इसका बहुत मैजिक होता है। मैंने मेरे पूरे बचपन भर में जब किया है, मंत्र किए हैं, हवन किए हैं, इसका फल मुझे अब मिल रहा है, राइट। मेरे उम्र के लोग सब बुढ़े हो गए हैं और मुझे देखो 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 कैसी दिखती हूँ। आप पीली सरसों को आठ, अपने आंग से आठ बार वार के आठ दिशाओं में फेंक दीजिए, राइट। या आप इसे तवे के ऊपर भी जला सकते हैं, आठ बार अपने आंग पे से वार कर गरम तवे के ऊपर डाल दीजिए, तो जो कोई ब्लैक मैजिक है, बाधा है, आला बला शला है, विघ्न है, कोर्ट केस है, सब इसका नाश हो जाएगा। विघ्न अर्था की भी हम पूजा कर रहे हैं, कोर्ट केस में या दुश्मन नाश के लिए पंच देवता कि आप पूजा पाठ आराधना कीजिए, नव दुर्गा माता का बगलामुखी रूप की पूजा कीजिए, शिव जी की आप काल भैरव रूप की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर विष्णु जी का आप कृष्णा ही प्रेम के पुजारी थे, राइट। तो विष्णु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, राइट। तो विष्णु जी के आप नरसिम्हा अवतार की पूजा कर सकते हैं, दुश्मन नाश के लिए, कोर्ट कचहरी जीतने के लिए। सूर्य देवता तो है ही, राइट, गणपति बप्पा विघ्नहर्ता है। ये पांच पंचों की जब हम पूजा पाठ आराधना प्रार्थना मुद्रा करते हैं और इनके मंत्र जप करते हैं, इनके पसंद के फूल फल चढ़ाते हैं, इन्हें प्रसन्न करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली सर्व संकट सर्व परेशानी विजय हो जाते हैं, राइट। कोर्ट कचहरी के देवता पांच पंचायत, शिव जी, विष्णु जी, दुर्गा माता, सूर्य देवता, गणपति बप्पा, राइट, इनके बीज मंत्र कीजिए, इनको पसंद वो प्रसाद चढ़ाइए, इनको पसंद वो फूल फल चढ़ाइए, राइट। आप मक्खन भी, ये सारे देवता कृष्णा जी को प्यार करते हैं, अगर आप इनको मक्खन और मिश्री भी खिलाते हैं, देते हैं प्रसाद में, तो भी ये प्रसन्न हो जाते हैं और आप कोर्ट केस में विजयी प्राप्त करते हैं। आप गणपति जी को मक्खन और मोतीचूर के लड्डू खिला सकते हैं, राइट। विष्णु जी को और शिव जी को मिश्री और मक्खन खिला सकते हैं, राइट, और उन्हें आराधना प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं कोर्ट केस में विजयी भवा।
आप सबके लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं। आप अपना ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा और किसी से भी मत डरिएगा। माय डियर, पीली सरसों हमेशा थर्सडे को खरीदिए और इसे भगवान के दरबार में या नॉर्थ ईस्ट में संडे को रखिए। राइट, संडे को इसका प्रयोग कीजिए। अगर करना है तो संडे के बाद स्टार्ट, संडे से स्टार्ट कीजिएगा। राइट, काफ़ी लक्ष्मीवर्धक है, इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। थैंक यू।